आगे बढ़े। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट होता है वेक्टर सी। तो ये जो सी है, सी का मैग्नीट्यूड जो होता है, जो पिछले क्लास में पढ़े, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो सीट दिए थे 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का, वो सभी लोग ट्राई कर लिए हो, तो हम आज थोड़ा आगे बढ़े। ये सीट सभी लोग ट्राई कर लिए हो, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, सर। तो आज अपने को पढ़ना है वेक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जोड़ना घटाना। तो तुम सीख गए, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन हमको बताना है, या कर लोगे तुम लोग? क्वेश्चन तुम लोग को सीट तो दे ही दिए थे 14 क्वेश्चन को, सीट कर लेना। आज हम तुमको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं ना, ठीक है? सही, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन शुरू करें कि कुछ क्वेश्चन और पूछना है? ये जो सीट है इसमें अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना है तो बता दो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 15 14 क्वेश्चन थे। हाँ सर मुझे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है। डॉट प्रोडक्ट रही पढ़ भी रही है रे, अभी हम पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे। चलो पूछ लो, ठीक बता है भी सर। रहे हैं, अभी पढ़ा ले फिर बता देते तुम्हारा डाउट है ना। जरा हाँ आप सर, पहले ठीक इसको है। पढ़ा ले, देखो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, इसमें जो वेक्टर होता है इसका मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से डिफाइंड होता है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें ए क्या है, इट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। बी क्या है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ? ठीक है, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है, पहला इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कई बार बोलते हैं स्केलर स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज है ना, डॉट प्रोडक्ट बोले या स्केलर प्रोडक्ट बोले। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट परसों पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन क्या, ठीक है, ये इस तरह से डिफाइंड होता है। इसमें भी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एन कैप यहाँ पे, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर बी बोथ, ठीक है। ये हमारा पहला, हम लोग ए डॉट बी पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, इसमें ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया? इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, समझ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब पहला हम लोग इसमें बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में देखो स्केलर या डॉट सर, प्रोडक्ट, सर मेरे को यही डाउट था कि इसको डॉट प्रोडक्ट को सर स्केलर क्यों बोलते हैं और हाँ, बस क्रॉस बस बस, समझ प्रोडक्ट को गया वेक्टर क्यों? समझ गया समझ गया। इसमें क्या है कि यहाँ देखो, ये जो अभी हमने डिफाइन किया ना, ये जो है डॉट प्रोडक्ट, इसका जो रिजल्ट आया इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कहीं एरो नहीं लगा हुआ, बट ए क्रॉस बी जो अच्छा आया, इधर एक जो रिजल्ट आया उसमें ये एन कैप है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, तो इसमें हाँ सर, क्योंकि डायरेक्शन है इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं है इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये दोनों दो चीज, ओके सर। ठीक है, ये अब पहले हम हाँ स्केलर सर, प्रोडक्ट का बताएंगे, समझ गए? ये नाम है इन दोनों का, क्योंकि रिजल्ट हाँ जो सर, फाइनल ए डॉट बी का फाइनल रिजल्ट जो आता है स्केलर क्वांटिटी आता है, और ए क्रॉस बी हाँ का जो सर, फाइनल आंसर आता है वो वेक्टर आंसर आता है, ठीक है, ये वेक्टर में आंसर हाँ देता है। अब ये कैसे आएगा वो हम थोड़ा समझाते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ठीक में सर। जैसा हमने तुमको बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है,
तो अब इसमें देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है बोर्ड के बाहर, ठीक है, स्प्लेन के बाहर, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आई कैप, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं जे कैप, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं के कैप, ऐसा पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहला आई कैप डॉट आई कैप, अगर तुमसे बोले कि आई कैप डॉट आई कैप क्या हो, तो आई कैप का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ आई कैप क्या होता है, इट इज वन। अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन है ना। अरे सो गए, आई कैप डॉट आई कैप दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड क्या हो जाएगा, वन। ये सेकंड वेक्टर का मॉड भी क्या हो जाएगा, वन। और आई के बीच एंगल क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, आई कैप भी और आई कैप भी इधर ही है। सो दोनों, जिसको भी नहीं समझ में आएगा बोल देना, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा भारी होता है फिर, है ना। आई कैप और आई कैप का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, जीरो। सो ये हो जाएगा कॉस जीरो डिग्री। सो कॉस जीरो ये वन, ये भी वन, और कॉस जीरो भी कितना, वन। सो वन इंटू वन क्या, वन। तो इसका मतलब हम बोलेंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज वन, ठीक है। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप का मॉड क्या होगा, अगेन वन। जे कैप का मॉड क्या होगा, वन। और जे और जे के बीच एंगल क्या होगा, ये भी जे है, ये भी जे है, दोनों जे के बीच एंगल क्या होगा, जीरो। सो अगेन कॉस जीरो डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज वन, ठीक है। इसी तरह से के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, अगेन वन, ठीक है। सो ये एक हो गया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये दोनों क्या होता है, वन होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिख दें आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, तो आई का मॉड क्या, वन, जे का मॉड क्या, वन। अब देखो आई इधर है और जे किधर होता है, ऊपर, तो आई और जे के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सो आई कैप डॉट आई कैप इज, सॉरी आई कैप डॉट जे कैप इज जीरो। इसी तरह से जे डॉट के, जे और के का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन डॉट कॉस 90, और कॉस 90 क्या है, फिर से जीरो। इसी तरह से है ना आई डॉट के, आई डॉट के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि आई इधर होगा और के वेक्टर इधर होगा, जे इधर होता है, तो आई और के बीच भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आई और के का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो। मतलब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, और दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर, है ना, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये समझ में आया क्या तुम लोग को, ये समझ में आया क्या? यस सर, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा आई डॉट जे एंड जे डॉट के, ठीक है। अब इसी में एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो कभी हमने लिखा I माइनस आई कैप डॉट जे कैप, तो ये क्या लिखोगे, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, I का मॉड, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ I डॉट जे, ऐसा लिख सकते हैं ना इस चीज को, तो ये हो जाएगा माइनस I का मॉड क्या, वन, J का मॉड क्या, वन, और I और J के बीच फिर से एंगल कितना, 90 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस वन 90 डिग्री, वन इंटू 90 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में, मतलब माइनस आई डॉट जे इज ऑल्सो जीरो, या आई डॉट माइनस जे, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में, ठीक है, जीरो, हाँ सर। माइनस आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई डॉट आई का मतलब हुआ आई डॉट आई, तो ये आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस, इट इज वन इंटू वन, और आई के बीच एंगल कितना, कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। समझ में, माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप इज माइनस वन, ठीक है। ये सारा चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये होता है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ गए। अब इसमें अब हमको थोड़ा सा देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बता दे, देख लो
किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब देखो रे इसमें अब क्या करना है। जैसे अगर तुमसे बोले डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें बताया ना, पहला चीज है ना, पहला स्टेप देखो, इफ ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू वन आई कैप प्लस टू जे कैप, ऐसा है। तुमसे बोले व्हाट इज फाइंड फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तब क्या करो, ठीक है। तो पहले हम पहले डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा तुमको बताएं, तो ए के जगह पे ए को रखना, तो ये हो जाएगा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, डॉट बी का मतलब वन आई कैप प्लस टू जे कैप, ठीक है यहां तक। अब ये लिख लोगे ए के जगह पे ए का वैल्यू रख दिए, बी के जगह पे बी का वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसको हम लिख सकते हैं टू आई कैप डॉट वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री जे कैप डॉट वन आई कैप प्लस टू जे कैप। जैसे तुम लोग पढ़े होगे ना, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए इंटू सी प्लस डी लिखते हैं प्लस बी इंटू सी प्लस डी लिखते हैं, ये पता है ना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी पता है ना? यस सर। ठीक है, सो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी स्केलर में यही होता है, बस यहाँ पे इंटू के जगह पे यहाँ क्या रहेगा, डॉट डॉट, तो यहाँ भी हम डॉट लिखेंगे और यहाँ भी डॉट लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, तो इसको अब हम और क्या लिखते हैं पता होगा तुमको, दिस इज ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये भी लिख देते हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे, बस क्रॉस के जगह पे इंटू के जगह पे यहाँ डॉट रहे, तो इसको लिख देंगे टू आई कैप डॉट वन आई कैप, ठीक है, प्लस टू आई कैप डॉट टू जे कैप, ठीक है, प्लस थ्री जे कैप डॉट वन आई कैप प्लस थ्री जे कैप डॉट टू जे कैप, सही है। ये टू को एक साथ रखे ये, फिर टू के साथ ये, थ्री के साथ ये, थ्री के साथ ये, बट इनटू के जगह पे क्या रहेगा डॉट, यही आइडेंटिटी चलेगा, ठीक है। अब यहां पर टू इंटू वन टू, ये हो जाएगा आई डॉट आई, स्केलर के लिए तो टू इंटू टू क्या होता है फोर, ठीक है, सो यहाँ टू इंटू वन टू हो जाएगा और आई डॉट आई, प्लस यहां हो जाएगा टू इंटू टू फोर आई डॉट जे, प्लस थ्री इंटू वन थ्री जे डॉट आई, प्लस सिक्स थ्री इंटू टू सिक्स जे डॉट जे, ये आ जाएगा टू। अब तुम्हें पता आई डॉट आई क्या होता है, वन, पता है? हाँ सर। ठीक है, फोर आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, प्लस थ्री जे डॉट आई क्या होगा, ये भी जीरो, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, प्लस सिक्स जे डॉट जे क्या वन, सो दिस इज इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सिक्स, दिस इज इक्वल टू एट, समझ में आई ये एट कैसे आया। क्वेश्चन ये था कि अगर ए वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप है और बी वेक्टर वन आई कैप प्लस टू जे कैप है, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, सो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, एट, दिस इज द आंसर, समझ में आया, इट इज एट। अब देखो एट जो आया स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन आई जे के कुछ तो है नहीं, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली स्केलर, समझ में, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, yes, sir. ठीक है, yes, sir. ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसी चीज को दोबारा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, इसी को हम फिर से करते हैं। क्वेश्चन था, है ना, इफ, ये क्वेश्चन था इफ ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड बी वेक्टर इज
ठीक है, i कैप प्लस 2j। तो हमने निकाला a डॉट b, व्हाट इज a डॉट b, कितना आया? अबे 8 आया था ना? हाँ सर, ये निकाला था ना, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j का, b इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j का, इसका फाइनल आंसर क्या आया? 8। बट ये प्रोसेस बड़ा लंबा है, समझ गए? यस सर, समझ गए मानसवी? समझ में आया? जाने संभवी? ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको, अब हम इसको एक और तरीके से करते हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो अगर ये वेक्टर है, ए वेक्टर इज 2i कैप, दिस इज 1, तो a डॉट b कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, a डॉट b करना तो एक लाइन बना देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, a डॉट b, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करो, आई कैप का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस जे कैप और जे कैप का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो 3 इंटू 2 कितना, 6, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8। दिस इज द आंसर, समझ में आया? ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करेंगे, आई कैप का कोफिशियंट को आई कैप के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे, जे कैप का कोफिशियंट को जे कैप के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे, दोनों अगर प्लस आता है तो प्लस कर देंगे, अगर एक प्लस और एक माइनस आता है तो माइनस करके आंसर लिख देंगे, समझ में आया? ये शॉर्टकट होता है, समझ में आया? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, तो अपन ये तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इफ p इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड q इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप, अगर ऐसा है तो व्हाट इज वेक्टर p डॉट वेक्टर q, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है, p डॉट q, तो p i का i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, और माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 6, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 2, दिस इज द आंसर, समझ में आ गया क्या? यस सर, ठीक है, बड़ा वाला तरीका यूज नहीं करेंगे ना, शॉर्टकट में करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिए, ठीक है, 2 × 4 = 8, और माइनस प्लस माइनस होता है 3 × 2 − 6 बराबर है, और जोड़ दिए इसको, ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप, अब तुमसे बोले कि फाइंड a डॉट b, तो क्या आंसर दोगे, इसमें लाइन ऐसे बना देना, a डॉट b मतलब हो गया i और i का कोफिशियंट का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, 4 × 2 = 8, 2 − 1 कितना हो जाएगा −2, −6 × 2 कितना हो जाएगा −12, ठीक है, और ये जोड़ के कितना जाएगा 14 और 8 कितना होता है −14 और 8 − 6, दिस इज द आंसर, ए डॉट बी इज −6, बात समझ में आया क्या? यस सर, और कोई जिसको नहीं समझ में आया वो बोल देना, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपने को बहुत काम आता है बाद में, ठीक है, तीसरा चैप्टर में ये डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है फिजिक्स में, तीसरा चैप्टर जो वर्क डन है ना, वहां एफ डॉट डी एस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सो जब भी एफ डॉट डी एस रहेगा तो तुमको यहाँ यही यूज करना पड़ता है, ठीक है, सो ये क्लियर है, किसी को डाउट है? क्लियर है? हाँ सर, और आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं? हाँ सर, ठीक है, अब देखो
डॉट प्रोडक्ट तो करेंगे क्या, निकालते कैसे, तो बड़ा आसान काम है। अब डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली बताता क्या, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जैसे हम लिखते हैं ना ए डॉट बी, जब हम लिखते हैं ए डॉट बी तो ये होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब देखो क्या होता है कि ये वैक्टर मान लो ए है और ये वैक्टर मान लो ऐसा वैक्टर बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल ये क्या है थीटा। ए डॉट बी में क्या होगा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बी से यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो ये लेंथ तो क्या है बी, ये लेंथ ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा ना। ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना दें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें बी से तो ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, और बी साइन थीटा। इसमें जो बी कॉस थीटा है इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर, ठीक है, एंड बी साइन थीटा को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू, देखो ये जो b sin थीटा है ये क्या है b का कंपोनेंट है किसके परपेंडिकुलर a के परपेंडिकुलर, और b cos थीटा क्या है a के पैरेलल, ठीक है। सो यहां से हम देख सकते हैं कि b cos थीटा का वैल्यू, और हम यहां से लिख सकते हैं b cos थीटा इज सिंपली वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय a, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। b cos थीटा तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, इट इज a डॉट b बाय मॉड a। a का मतलब हुआ यहाँ पे, a का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, समझ में आया। सो इससे हम लोग b cos थीटा का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और b cos थीटा अगर मिल गया तो b sin थीटा भी निकाल सकते हैं। तो b sin थीटा कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे b स्क्वायर इज b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही है। अब यहां से लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा नोन है ये वाला टर्म, और दूसरा b cos थीटा भी तुम्हारा नोन है, तो b cos थीटा यहाँ रख दो तो b sin थीटा निकल जाएगा, समझ में आ, ठीक है। तो इस डॉट प्रोडक्ट से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b पैरेलल टू वेक्टर a एंड b sin थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। कभी भी कंपोनेंट निकालने बोला तो इस तरह से निकालना, ठीक है, b cos थीटा इज a डॉट b बाई। इसी तरह से दूसरा चीज और होता है, जैसे मान लो कि इसी को फिर से एक बार देखो, अगर a का कंपोनेंट निकालना होगा तब कैसे निकाल लेंगे, मान लो ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर b है, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है a का कंपोनेंट, तो क्या करेंगे, a के सर से ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ये a के हेड से ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ये एंगल क्या रहेगा थीटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ को क्या बोला जाएगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड ए कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या बोला जाएगा ए साइन थीटा, ये तो 90 डिग्री है, ये लेंथ यहां से यहां तक बोला जाएगा ए कॉस थीटा, एंड राइट एंगल ट्राइंगल समझ गए, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहां पर जो ए साइन थीटा है, a sin theta is component of
वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है पहला। दूसरा ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर, समझ में आया। यहाँ ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए कॉस थीटा इज द पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और ए साइन थीटा क्या हो गया, ए साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ए कॉस थीटा, अब देखो हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, समझ में आया क्या, ठीक है। ये ए कॉस थीटा निकल गया, ए डॉट बी बाय मॉड बी। कभी भी अगर तुमको कंपोनेंट निकालना हो ए का या बी का तो इस तरह से निकाल सकते हो, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग ए कॉस थीटा और बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग बी कॉस थीटा, समझ में आया ये बात, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, बोलो yes, sir, ठीक है आ गया बात, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, अब एग्जांपल देंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल देते हैं तुमको एक दो, जैसे मान लो ठीक है फॉर एग्जांपल, ठीक है कभी अगर तुमसे बोला कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो तो क्या करो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी है 1i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है तो तुम्हें पता है a डॉट b क्या होता है, a डॉट b हमारा होता है 2 into 1, 3 into 6, 8 होता है a डॉट b, यही निकाले थे ना, यस सर, a डॉट b इज 2 into 1, 2 और 3 into 2, 6, ये होता है। अब तुमसे बोले फाइन, हाँ सर, फाइन ऑफ a along वेक्टर b, a along b निकालना मतलब हमको क्या निकालना है, a cos theta निकालना है, इसका मतलब यही हुआ। और हम लिखेंगे कि a dot b is equal to a b cos theta, तो यहां से a cos theta क्या हो जाएगा, a dot b by mod b, यही होगा ना, तो a dot b कितना है, यहां पे हम लिख देते हैं this is a dot b by mod b, so a dot b कितना है, it is 8, और mod b कितना हो जाएगा, तो b वेक्टर हमें गिवन है i plus 2j, 1i cap plus 2j cap, so what is mod of b is root over 1 square plus 2 square, this is equal to root 5, mod of b is root 5, ये vector b का magnitude, तो b का mod क्या हो जाएगा, root 5, so a cos theta is 8 by root 5, का मतलब ये हुआ कि अगर ये vector a है और अगर ये vector b है तो a का component जो b के along होगा ये वाला, ये होगा a cos theta और ये होगा 8 by root 5 unit, समझ में आ, यहां से यहां तक जो लेंथ होगा ये वाला, ये होगा 8 by root 5, समझ में आ कैसे कंपोनेंट निकला, किसी को डाउट है इसमें तो बता दो, ये क्लियर हुआ क्या, हाँ सर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और डॉट प्रोडक्ट से करते क्या है ना, अब देखो अब आगे थोड़ा सा और बता दें, डॉट प्रोडक्ट का और एक कहानी बता दें पहला, ठीक है देखो अब डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी है इफ, है ना, पहला प्रॉपर्टी है इफ डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव मीन द एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट, ठीक है जैसे दो वेक्टर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए क्या है, ए इज मॉड ऑफ ए, ए है ए क्या है, ए का मॉड है, बी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है, है ना, तो ये जो ए है ये बी है, ये दोनों क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है सो
ये मॉड ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड ऑफ बी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो ए डॉट बी में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, इट मींस कॉस थीटा इज पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। समझ में आया क्या? ठीक है फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज पॉजिटिव इट मींस द एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट। समझ में, मतलब एंगल इज लेस देन 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया क्या? अरे अरे बोलते yes, sir. नहीं समझ में आया? आ गया सर। अगला दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, मतलब कभी भी अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है, इट मींस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कॉस थीटा इज जीरो, मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है? जीरो। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव देन द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। मतलब ए डॉट बी कभी भी अगर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। और cos थीटा नेगेटिव होगा मतलब थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद एक बार और लॉग इन करना पड़ेगा, टाइम खत्म हो रहा है, एक मिनट बचा है, तो लॉग आउट करें। चलो शुरू करें। तो ये डॉट प्रोडक्ट तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था, और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है ये कहानी था। ठीक है, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट, समझ गए ना, ये तीन प्रॉपर्टी होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट कभी भी तुमको दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना? जीरो प्रूफ कर देना। ठीक है yes, sir. जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप। ऐसा अब तुमसे बोले कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो देखो ए डॉट बी निकाल लेना। ए डॉट बी करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8, डेट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो। मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज जीरो डिग्री, है ना, जीरो है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? जीरो। इसका मतलब कॉस थीटा जीरो तभी होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। समझ में आया? दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का कहानी। अब इसमें एक दो क्वेश्चन तुम्हारा ले ले पहले, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इफ डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट देखो कितना आसानी से निकल जाएगा, 2i कैप 3j कैप, एंड वेक्टर बी इज 4i कैप प्लस 2j कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है ए डॉट बी, तो 4 × 2 = 8 + 3 × 2 कितना? 6, इट इज 14। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ए डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट ए। अगर बी ए डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट ए, अब देखो बी डॉट ए करेंगे तो क्या होगा? पहले बी लिखेंगे, बी मतलब 4, बी का मतलब हो गया 4i क्या
प्लस टू जे कैप, और ए का मतलब हो गया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, और बी डॉट ए का मतलब हो गया फोर इंटू टू एट प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, दिस इज अगेन 14। बात समझ में आया? तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों हमेशा बराबर ही होता, बराबर आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अब जरा तू लोग बता दो, ये दो वेक्टर तुम्हारे सामने है, ये और ये, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, कौन बताए? कौन, कितना? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो ये वेक्टर, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ वन, यहाँ वन और वन, वन वन और माइनस वन, माइनस वन, वन और वन क्या, प्लस वन, दिस इज वन, सो द आंसर इज वन। वेरी गुड, सही है आंसर, समझ गए? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये तो कर ही लोगे, सब तो आसान है, इसका आंसर हाँ सर आ रहा है, थ्री, समझ गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत आसान है, बट कंपोनेंट अगर निकालना आया, ठीक है, तो थोड़ा तुमको समझना होगा। जैसे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, समझ गया ना, ए कॉस थीटा या बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा हमारा हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड बी, समझ गए? ये तो निकाल लोगे ना सर? हाँ सर। क्या जैसे इसी में अगर समझ गए, क्लियर है इसका आंसर? हाँ सर। आ रहा है ना, थ्री आ रहा है ना, चेक कर लिए सर, दो सेकंड चेक कर। यस सर, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में वन और टू, टू हो जाएगा, टू और फोर कितना हो जाएगा एट, और माइनस कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, ये कितना हो गया रे सर? फोर, तो फोर आना चाहिए, यहाँ तो गलत लिखा हुआ, वन और टू है ना, द आंसर इज फोर। ठीक है, आंसर गलत लिखा हुआ, देखो आंसर फोर ही है, द आंसर इज फोर, ये आंसर गलत लिखा हुआ, सही है ना, यहाँ टू होना चाहिए था वन के जगह, वन और ये टू, टू टू और फोर एट, माइनस थ्री और टू सिक्स, माइनस सिक्स तो हो जाएगा टू प्लस एट माइनस सिक्स इज फोर, सो ए डॉट बी इज फोर। ठीक है, समझ गए? तो डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज है, ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। एक बार डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन भेजेंगे अभी तुम लोगों को, और वो जो वेक्टर का क्वेश्चन भेजे थे कर लिया ना, अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हमको भेजना है। अब तुम लोग अपना डाउट बता दो, ठीक है, थोड़ा डाउट डिस्कस कर ले। अब क्रॉस प्रोडक्ट परसों पढ़ेंगे, ठीक है, बस वेक्टर में एक ही क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, फिर वेक्टर का टेस्ट लेंगे रे 30 क्वेश्चन का, क्लियर है ना? तो सर वो किस पे होगा? मेरा साइट है ना, टेस्टिंग साइट, ये वाला साइट खोल के देखना, उस पर टेस्ट होता है, TUMANTRAS.IN, इस पे मेरा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, है ना, इस पे ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा तुमको, नाम पता ईमेल आईडी फोन सब डालोगे तो हम बता देंगे कैसे रजिस्टर करना है, और ऑनलाइन टेस्ट तुम डेढ़ घंटे का दे दो, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन ऑन 1.5 आवर, डेढ़ घंटे का टेस्ट देंगे वेक्टर का, ठीक है, सैटरडे को मैक्सिमम, सैटरडे को तुम लोग तैयारी कर लेना, वेक्टर का टेस्ट रहेगा इस साइट पे, ये मेरा साइट है, इस पे टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट सब होता है सभी बैच, ठीक है, तो इस पे तुम लोग का टेस्ट दिलवाएंगे सैटरडे को, ठीक है, तब तक डाउट जरा पूछ लो। सर एक चीज पूछना थी सर, सुबह होगा कि सर शाम को? इसी टाइम में ले लेंगे ना, सैटरडे को या संडे को ले लेंगे, ठीक है ना, एक टाइम कभी भी दे देना, जब हमको टाइम बता देना, ठीक है। हाँ सर। देखो 2 बजे से दे दो, 3 बजे से दे दो, कब लेना चाहते? सर 4 बजे से, ठीक है, संडे को, सैटरडे को, सैटरडे और संडे 4 to 5:30, हाँ सर,
ठीक है, तुमको टेस्ट दिला दे डॉक्टर, लेकिन अभी थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का सीट अभी हम आज तुमको भेजते हैं, अभी जस्ट बना के। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सीट में कोई दिक्कत है तो बता दो। ये जो पिछला नहीं सर हो गया इजिली? हाँ सर, वो बस उसका लास्ट वाला क्वेश्चन था, डाउट आपने आज बता दिया। वो 14 नंबर 13 नंबर हो गया? हाँ सर 13 नंबर। हाँ सर हो गया 13 12 सब हो गया। वेरी गुड। हाँ को कुछ पूछना है तो बता दो रे।